अरे 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 अरे, दामाद जी की फिर से तशरीफ आवरी हुई है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, जब घर में दाखिल हो रहा था, घर रोशन रोशन क्यों हो रहा? भाई यहां तो ना उसे टपक थी। फिर मैंने सोचा कि भाई हो सकता है काउंसलर ने जो ये नई लाइट लगवाई है ना, ये स्ट्रीट लाइट ये नई लगवाई है, इसकी रोशनी होगी। लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि रोशनी तो घर के अंदर से फूट रही है। सलाम अलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। देख नहीं रहा है, आपको देखकर दिल बाग बाग हो गया मेरा। थैंक यू, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। भाई सोचना तो पड़ेगा ना, जब रोज आना जाना आपका लगा रहेगा तो आपके लिए सोचेंगे और किसके लिए सोचेंगे? हम तो अपने आप को भूल चुके हैं, क्यों बेगम? हाँ हर्षल बेटा, तुम्हारे अंकल को ना मजाक की आदत है। जी आंटी, काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं, मुझे काफी तजुर्बा है इनके मजाक का। अच्छा, भाई क्या तजुर्बा है भाई, वाह 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 वाह, इस उम्र में नौजवान पता नहीं कहाँ आसमानों के तजुर्बे करते हैं, मेरा तजुर्बा कर रहे हैं, वाह 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 वाह। तुम बैठो बैठे, मैं खाने का। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। ऑफिस लगता है काफी देर से आया हुआ था। तुझे खबर थी बे? नहीं, तुझे भी नहीं, हमारे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि मौसूफ यहाँ बैठे हुए हैं। सुबैर, हर बात का गलत मतलब मत निकाला करो। ये हीरो तुमसे मिलने आया था या सभा से भी मुलाकात हुई है? हादे के सिलसिले में आया था, मैंने बुलाया था उसे। वाह वाह वाह, अच्छा इसका मतलब है कि मीटिंगें चल रही है ना। हाँ भाई, खाने बनाए जा रहे हैं, खाने ठूसे जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के उसके हलक से उतारे जा रहे हैं। और सब कुछ हमारे खर्चे पर हो रहा है। ये पैसा बह रहा है, इसीलिए जमा किया था मैंने, किसी के लिए नहीं जमा किया, इनके लिए जमा किया था। आपसे तो बात करना बिल्कुल फिजूल हो गया है। उसी को बुला लो फोन करके, फजूल बातें अगर मैं करता हूँ वो तो अच्छी करेगा ना, बुला लो। बुलाऊं?